सर। सलाम वालेकुम, मैं समद बिन सिद्दीक एरा घुंटे के रहने वाले। मैं आज पीर का दिन है, आज रात में जो है 1:45 बजे यहाँ शिप डिजायर एक सदरान गुट्टे से पहाड़ी शरीफ के तरफ एक शिप डिजायर जा रही थी, जिसमें 4 लोग सवार थे जो कुछ अंबर पेट के रहने वाले ऐसा बोले। और वो लोग जो है ना यहाँ से कुछ गाड़ी में तेज जा रहे थे, और ये CRPF बारकस मैदान के सामने जो CRPF का गेट है उसमें वहाँ पर बीच में डिवाइडर्स डाले हुए है, उसको बहुत ही तेजी से आके वो गाड़ी ये डिवाइडर्स नहीं दिखने की वजह से उसको आके बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हुआ उसमें। शिप डिजायर में बहुत गाड़ी तबाह हो गई, ये गाड़ी तो इसमें शिप डिजायर है, ये 4 जने सवार थे इसमें, बहुत ज़्यादा पीछे बैठे सो वालों को जो है ना यहाँ से जख्मा है, बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए वो लोग, उनको अवेसी हॉस्पिटल शिफ्ट करे वो लोग इलाज के लिए वहाँ लेके गए। हम लोग पुलिस को इतला देने के बाद यहाँ पर मुकामी लोग सब जमा हुए थे, बारकस बस्ती के लोग, और यहाँ पर ठहर कर हम लोग पुलिस को इतला दिए। पुलिस आई वो देख कर गाड़ी हम लोग साइड में रखे। ये CRPF के जो DC हैं डिप्टी कमांडेंट, उनसे मेरी गुजारिश है, ये हादसा कई बार हुए हैं यहाँ पर, तो ये आकर इसका इंस्पेक्शन करके यहाँ ट्रैफिक पुलिस और चंद्रन गुट्टा पुलिस साउथन DCP साहब से गुजारिश है कि ये अगर ज़रूरी है तो रखें, या नहीं तो जो है ना ये निकाल दें, क्योंकि ये अब तक जो मेरे नॉलेज में भी है, यहाँ के बस्ती वाले भी जब से देख कर बोले, करीब 8 या 10 बड़े हादसे हुए। अगर रखना है, ज़रूरी है तो रखिए, या नहीं तो मैं मुकामी MLA साहब और सदर मजलिस असदुद्दीन अफीसी साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर आप ज़रा गौर, यहाँ के मुकामी लीडर से ये इसके बारे में जो है ना इंक्वायरी करके ये हटाने लगा है तो मेहरबानी, क्योंकि ये करीब आने तक किसी को भी नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर लाइटों का इंतजाम है ना, वो जो है कुछ इंडिकेटर्स डाले ट्रैफिक सिग्नल वो भी काम नहीं कर रहे। ये बहुत से हादसे हुए यहाँ पर, नहीं वो लोग शादी में कुछ तकरीब में जाकर आ रहे थे, बोल रहे वो लोग नशे में नहीं थे, अच्छे थे, वो सीधे साधे थे, तो जो ड्राइवर चला रहे थे वो दोनों सामने जो बैठे एयर बॉक्सेस वो खुलने से दोनों महफूज रहे, थोड़ा हाथ पे मार लगा, और 4 जनों में 1 जने ज़्यादा जो है ना, एक बच्चा वो ज़्यादा ही इंजर्ड हुआ, जख्मी हुआ, उसको अवेसी हॉस्पिटल शिफ्ट करे। तो हम लोग सब थे मुकामी लोग जो है ना यहाँ पर मदद करके गाड़ी साइड में रखे। यहाँ के नाइट ड्यूटी चंद्रन गुट्टे के SI और जवान आए थे, वो आकर यहाँ पर मुकामी हादसे पर आके गाड़ी साइड में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मेरा नाम शाहनवाज नादी है। अभी मैं आ रहा था, एक्सीडेंट देखा, हमारे समद भाई को देख के रुका मैं। तकरीबन बिफोर 1 महीना पहले भी कार एक्सीडेंट हुआ था, लारी वाला पी ले गया था, मार दे के चले गया कार वाले को। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, अपने अब्बास स्टेडियम के अपोजिट बिल्कुल CRPF के सामने सिग्नल लगा दिए, सिग्नल के लाइट्स ऑन नहीं है, डिवाइडर ये बड़े आड़े तेरे है, हमारे आर्मी के जवान अभी गलत सलत बीच में आ जा रहे हैं, गलती से खुदा ना खास्ता वो जेब्रा क्रॉस करते वक्त में बच्चे स्कूल के रहते हैं, लोगों की वो जान का खतरा रहता। प्लीज़ सबसे गुजारिश है, इधर आके तहकीकात करिए, देखिए, नज़र मारिए एक बार, बहुत मेहरबानी होती। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, क्यों बोले तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे, क्यों बोले बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। माशाल्लाह जवाना तो जेब्रा क्रॉस करते वक्त में रहते, फिर भी ज़रा कभी भी गफलत में एक्सीडेंट हो जाते। मेरी तेलंगाना हुकूमत से यही गुजारिश है, जल्द से जल्द सिग्नल ऑन कराइए, लाइट चालू कराइए, ज़रा स्टी करिए प्लीज़, थैंक यू सो मच। और एक वीडियो ये है कि रिसेंटली थोड़े एक 10 दिन पहले बिफोर अपने बाकोबान हॉस्पिटल के सामने जो सिग्नल है ना, वहाँ पे कोई नहीं है, जैसा कि कुछ गाड़ियाँ आ रही, ड्राइवर को मालूम होता है कि यहाँ पत्थर है, ठीक है। रिसेंटली सिग्नल बना है, वहाँ के लाइट भी ऑन नहीं है, रिसेंटली देखिए एक्सीडेंट हुआ, 10 दिन पहले की वीडियो है ये, बारिश हो रही थी, ये कार आके उसमें पत्थर को लग गई। इवन रेडियम भी नहीं है भाई, वाला रेडियम भी नहीं है वहाँ पे, रेडियम भी नहीं है। प्लीज पुलिस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एम्प्टी जगह पे कौन लगाए, उसके ऊपर रेडियम रहा तो ड्राइवर को दिखेगा कि यहाँ पे डेंजर रूल्स कुछ है, हम बाजू से जा सकते हैं, बोल के ड्राइवर को दिखता होगा। खाली डिवाइडर डाल के छोड़ दिए।